बॉडी ऑफ द वॉटर ओके तो तीन लोकेशन मैंने बता दी है तुम लोगों को एज ऑन दिन सबसे पहले जो पानी के सर्फेस पे फ्लोट करते हैं जो एकदम लोअर बॉटम लेवल पेटिक नाम से पहचानते हैं मोस्ट ऑफ द मेजरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है आप लोगों को टेरिस्ट्रियल फॉर्म में देखने मिल सकते हैं ओके okay? जैसे कि देखो क्या क्या कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी बोरोइन

कैटेगरी इज देर जहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं वॉल्स okay, okay, चलने के काम कर सकते हैं नेक्स्ट आर्बोरियल जहाँ पे बर्ड्स मंकी स्क्वेर ओके okay, जो ऐसे एग्जाम्पल्स uh, आते है जो हमको ट्रीज पे देखने मिलते हैं ओके okay, बर्ड्स जो हमको हवे पे भी देखने मिलते हैं एयर में भी देखने मिलते हैं एंड ट्रीज पे भी देखने मिल सकते हैं ओके कमिंग टू द एरियर उनका मेजोरिटी जो पार्ट रहता है वो आप लोगों को एयर में ही देखने मिलता है सो एग्जाम्पल्स तो ये हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर जहां पे हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेके इसके अलावा हम लोग बहुत सी ऐसी कैटेगरी है जिसको अभी से ही स्टार्टिंग से डिफाइन करेंगे क्योंकि आगे जब हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे अलग अलग फाइलम लेवल पे अलग अलग क्लास लेवल पे तभी मैं इन सबके खाली हेडिंग्स की बात करूंगा बाकी जो है ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ठीक है जैसे कि दे आर मल्टी सेलुलर बट देर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल्स मतलब क्या है बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स आपको देखने मिलेंगे वो सेल्स इंडिपेंडेंट होते हैं उनका काम वो लोग खुद कर लेते हैं उनको किसी और सेल के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं होती ओके okay, तो सेल अपना काम खुद ही कर लेते हैं ये या आपको याद रखना है ऐसे काइंड के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी में की बात चलती है, की बात बात चलती चलती है वो है है वो स्पॉन्जेस द नेक्स्ट दैट इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो सेल हो गया अभी टिश्यू आ गया ठीक है और तुमको पता है सेल्स ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रेस्ट टू द टिश्यूज टिश्यूज जो होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर लेकिन यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपको देखने मिलता है बिटवीन द सेल्स ओके तो ये

है ओके okay? एक और लेवल बढ़ जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल जो ये ऑर्गन लेवल आप वो शुरुआत में देखने मिलेगा, वो आता है, उसके बाद लेवल की अगर मैं बात से लेके, तक पास आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने मिलता है ओकेगरी डेट इज अ बॉडी प्लान अगर मैं बॉडी प्लान के बारे में बात करूं तो देखो किस टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने मिलेंगे जैसे कि सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान इसका मतलब मतलब क्या होता है सी नथिंग बट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली खाली सेल सेल होते हैं इज इंडिपेंडेंट मैंने ऑलरेडी बात की थी ऐसे कैटेगरी को हम लोग कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान एक होता है ब्लाइंड सेक्ट बॉडी प्लान इसका मतलब क्या होता है बंदे के पास खाली एक ही ओपनिंग होती है जिसके कारण वो इनटेक भी कर सकता है एंड आउटटेक भी कर सकता है ओके इनटेक एंड आउटटेक मतलब क्या अंदर लेना बाहर लेना मतलब खाना खाना इंजेक्शन करना ये दोनों प्रोसेस एक ही ओपनिंग के थ्रू होती है जहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं हाइड्रा और ऐसे काइंड के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से कहते हैं मतलब हमेशा याद रखना जब भी, भी सिंगल ओपनिंग आपको देखने मिलेगी तो एग्जाम्पल हाइड्रा और ऐसे काइंड के बॉडी प्लान को कहते हैं ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान इसका मतलब क्या होता है देखो? आप लोगों को सिंपल सी लॉजिक लगाना सीख जाओ पे। आप लोगों को दो ओपनिंग वन अ माउथ ओपनिंग बी कॉल इज एनस ओपनिंग ठीक ठीक है ये आपको कैटेगरी जो देखने मिलेगी ये सारे हायर लेवल ऑफ ऑर्गे ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलेंगे ओके लाइक एनिमल्स ना ये होता कब है सी नोट करने वाली क्या बात आती है यहाँ पे सो so, ड्यूरिंग right? uh, like, uh, रुकता नहीं है वो आगे जाके फर्दर प्रोसेस करता है जैसे होता है ओके okay? मतलब क्या क्लीवेज में क्या होता हैल स्ट्रक्चर होता है ये आगे जाके दो सेल चार सेल आठ सेल बारह सेल ऐसे करके

और वहां पे जो सेल्स रे जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोपोर सेल्स या फिर ब्लास्टोमर्स के नाम से भी कहते हैं ओके एंड नाउ सी नोट करने वाली बात क्या है सो ड्यूरिंग डेवलपमेंट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसपोर Okay, okay? उथ में कन्वर्ट हो गया इंस्टेड ऑफ माउथ अगर फर्स्ट एनएस डेवलप्ड हो गया तो हम लोग उसको मानेंगे ड्यूटे ओके okay? अगर माउथ पहला फॉर्मड हुआ तो प्रोटोस्टोम अगर एनएस पहले फॉर्म हुआ तो

सिमेट्री so, को भी एक लेवल माना गया है नहीं देखने मिलती, example, snitch, okay? लेकिन, symmetry, आप लोगों को कंपलसरी याद रखना स्नेल्स में क्यों नहीं हम लोग सिमेट्री ला सकते क्योंकि स्नेल्स के पास एक्चुअली शेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो शेल की कॉइलिंग जो होती है वो कभी भी क्लॉकवाइज भी देखने मिलती है एंटी क्लॉकवाइज भी देखने मिलती है और या फिर सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के देखने मिल सकते हैं सो दैट दैट इज व्हाई वी कांट से एडल्ट विल बी शोइंग द एनी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ओके लेकिन जो स्नेल का नॉर्मल स्टेज होता है जहां सेल सीक्रेट नहीं होते हैं उनको बायोलिट्रल सिमेट्री देखने मिल सकती है तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं ओके नाउ सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है ये तीन टाइप्स के हमको पढ़ने मिलेंगे एक होता है यूनिवर्सल या फिर स्पेरिकल सिमेट्री दैट मीनस द ऑर्गेनिज्म

सी हाउ ये रहा सेकेंड एग्जाम्पल आप लोगों के सामने जहाँ पे आप लोगों को एक ही माउथ कैविटी देखने मिलती है और इसी के थ्रू इनटेक एंड आउटटेक होता है इन हाइड्रा एंड थर्ड वन इज अ ट्यूब विट इन टूब इज इन द फिश देखो वेंटर माउथ प्रेजेंट एंड में हीज प्रेजेंट दैट इज अड ओपनिंग ओवर मतलब क्या दिस इज शोइंग इनकम्लीट डाजेम दि बात करने वाले हैंज डायड विदेट्रिक टॉपिकल कंडीशन जो हमको देखने मिलती है अमीबा देखने मिलती है कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओके सी सेकंड वन इज द रेडियल सिमेट्री जहां पे मैंने बताया था आप लोगों को टेट्रामेरस अगर होगा टेट्रामेरस यानी चार ओके okay, सो so आप लोगों को जेलीफिश एग्जाम्पल देखने मिलता है पेंटामेरस यानी पांच तो स्टार फिश एग्जाम्पल देखने मिलेगा एंड हेक्सामेरस यानी सी कुकुम्बर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ओवर हियर नेक्स्ट बायोलेट्रल सिमेट्री को लेकर अगर मैं बात करू तो एग्जाम्पल हमारे आ जाते हैं मतलब हम लोग खुद इसमें आ जाते हैं राइट नोट करने वाली क्या वाले तो इंटीरियर साइड पे माउथ एंड पोस्टीरियर साइड पे एनस को देखने मिलता है ओके वेंट्रल साइड कैसे कर सकते हैं आप लोग सी ऑन द ऑनल साइड ऑलवेज इज अ बेली क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सो अभी क्लियर कर लो वेंट्रल साइड कौन सी होती है डॉलसल साइड कौन सी होती है ओके जिधर वल्टीपल कॉलम आप लोगों को देखने मिलेगा वो हमारा डॉल्सल साइड रहेगा और जिधर आप लोगों का पेट या फिर बेली एरिया रहेगा दैट इज कंसिडर एज अ

अभी हम लोग वही जो बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिफाइन कैसे कर, कर सकते हैं कि वेंटर साइड कौन सी होती है साइड कौन सी होती है तो ये डायग्राम तुमको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा सी एंटीरियर साइड यानी ऊपर की बाजू पे यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है ठीक है और इसी को पोस्टीरियर साइड भी माना जाता है लेकिन सी पोस्टीरियर साइड का मतलब क्या यहाँ पे तो ये द टेल रीजन यू कैन से एंड द माउथ रीजन एंटीरियर साइड ओके ऊपर जो होता है ये डॉर्सल साइड माना जाता है और जो नीचे का साइड जो होता है इसको

अभी नेक्स्ट ऐसे क्या कैटेगरी है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए जैसे कि सिलोम सिलोम का मतलब होता है कैविटी तो यहाँ पे बॉडी कैविटी को लेकर बात करेंगे जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सिलोम काफी अच्छे से डेवलप नहीं होता है या फिर होता ही नहीं है जिसको हम लोग कहते हैं ए सिलोमेट मतलब क्या होता है इसके पास बॉडी कैविटी नहीं देखने मिलेगा तो क्या चीजें देखने मिलती है बाहर का लेयर एक्टोडम बीच का लेयर एंडोडम और बीच वाले जो लेयर्स होते हैं वहां पे आप लोगों को कोई भी कैविटी uh, देखने नहीं मिल सकती सो so, कम्प्लीटली बहुत टाइटली बाउंडेड सेल्स आप लोगों को वहां पे देखने मिलेंगे ओके एक्चुअली मिजोडर्मल सेल्स बोल सकते हैं हम लोग ओके सो देर इज अ कम्प्लीटली बिटवीन एक्टोडम एंडोडम देर इज अल्स आर फिल्ड ओवर हिस्सो कैविटी विल बी सी बिटवीन द एक्टोडम एंड एंडोडम एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं जैसे कि अप टू प्लेटफॉर्म्स अगर हम लोग बात करें जैसे कि फॉरिफेरा निडेरिया टीनोफोरा एंड प्लेटी हम लोगों को ए सिलोमेट्स कंडीशन देखने मिलती है एग्जाम्पल याद रखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग अगर एक्टोडम एंड एंडोडम को अगर ठीक से देखो तो बीच में हमको पता है कि सेल्स भरे हुए रहते हैं तो यहाँ पे जो कैविटी फाउंड होती है वो मीजोडर्मल से फाउंड होने लगती है मतलब मिजोडम जो होता है ये स्प्लिट होने लगता है ओके लेकिन लेकिन

के बाद ब्लास्टूला में आप लोगों को कुछ लेबलिंग्स देखने मिलते हैं जैसे कीविटी फॉर्म होगी जिसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील और वहां पे आप लोगों को कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स देखने मिलेंगे एक ही कॉर्नर पे जिसको कहते हैं हम लोग ब्लास्टोमर्स ओके तो ये सारी बातें हम लोगों ने पहले ही देखी थी अभी यही जो ब्लास्टोसिल की कैविटी रहती है वही आप लोगों का माउथ या फिर एनस फॉर्म करने में मदद करेगी इज अ कंप्लीट एंड डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करने में लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि एंटेसिल जो कैविटी है ये आर्केंटेरॉन के मदद से हुई है आर्केंटेरॉन कब मिलता है जब आप लोगों का आफ्टर ब्लास्टुलेशन देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज ग्रेस्टुलेशन क्योंकि वहां पे आप लोगों को दो कैविटी देखने मिलती है एक तो होती है ब्लास्टोसिल और दूसरी होती है और इसी के अलावा में आप लोगों को तीन जम लेडम एंड प्रोसेस फॉर्मेशन जो होता है ये आप लोगों को ग्रेस्टुलेशन में ही देखने मिल सकता है डोंट वरी वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द प्रोसेस इन डिटेल्स लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नोट आर्टेर इज कैविटी व्हिच इज फॉर्मड ड्यूरिंग द ग्रेस्टुला एज आई टोल्ड यू बिफोर एंड बी कॉल्ड एज अ ग्रेचुलेन्स ओके तो ये डायग्राम है आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हुए मैंने सी द डाय वेरी क्लियरली जो मैंने ऊपर सेपरेटली बनाए थे यहाँ पे आप लोगों के सामने काफी अच्छे से रखा हुआ so और तो long, से है तो ए एंड ए डैश जो कंडीशन आप लोगों के सामने रखी हुई है दैट इज ए सिलोमेट कंडीशन सी वेरी क्लियरली एक्ट्रोडम एंड्रोडम देखने मिल रहा है वेरी सी आप लोगों को देखने मिल रहा है लेकिन ये जो मेजोडम है आप लोगों को यहाँ पे कुछ जगह पे ही स्प्लिटिंग यहाँ पे देखने मिलेगी ओके okay?

हाँ तो अभी साइजोल एंड के बारे में बात एंट्रोसिलोम के बारे में बात चल रही थी एंट्रोसिलोम को लेके तो ये रहा तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर सी एक्ट्रोडम बाहर की लेयर जो होती है वो एंट्रोडम ये बीच वाली लेयर अभी ये जो इनके दोनों के बीच में जो एरिया होता है वो मिजोडोम का होता है ओके तो मिजोरम अंडर गो स्प्लिटिंग एंड फॉर्म्स ऑफ कैविटी ओवर तो आप लोग देख सकते हो मिजोडोम स्टार्टेड स्प्लिटिंग एंड फॉर्मिंग अ अलोम लाइक कैविटी तो ये रहा आपके सामने साइजो फॉर्मेशन हो चुका है ओके okay, क्या फॉर्मेशन हो चुका है साइजोसिलम कैविटी का फॉर्मेशन हो चुका है और ये जो बीच वाला एरिया होता है हम लोग उसको डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं ओके साइजोसिलम डेवलपमेंट डेवलपमेंट विल विल बी बी सीन सीन इन इन द द एज द ऑल द वर्टिब्रेट्स ओके तो देखो ये कैसे होता है आप लोग अगर दोनों डायग्राम्स को ठीक से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो मिजोडम है वो मास ऑफ मिजोडम स्प्लिट होने लगा है वेर एज इन दिस एरिया देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द लिटिल लिटिल पाउच लाइक स्ट्रक्चर

ना जर्म लेयर्स के बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई बिल्कुल कर सकते हैं जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो डिप्लो प्लास्टिक होते हैं कुछ लोग होते हैं जो ट्रिप्लो प्लास्टिक होते हैं या तो डिप्लो या तो ट्रिप्लो ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि डिप्लो का मतलब होता है इज फॉर्मेशन ऑफ द टू जर्म लेयर्स जैसे कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं एनिमल्स बिफोर प्लेटियलमिन के पहले जो भी एग्जाम्पल्स बनेंगे तुम्हारे स्क्रीन पे ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ द डिप्लो प्लास्टिक ओके और आफ्टर प्लाटी हेलमिन जितने भी रहेंगे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है आप लोग देख के यही बता सकते हो कि इसके कैटेगरी को भी लेके आप लोग एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हो ओके okay, तो देखो क्या बोल रहा है Metamerism का मतलब होता है सेगमेंट्स होना ओके okay, so, से या फिर अंदर से देखने मिल सकता है एग्जांपल यहां पे रखा गया है एनेलिडा जो कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड दिखाते हैं एक्सटर्नल अगर होगा तो हम लोग इसको मेटामर्स के नाम से कहते हैं एंड इंटरनल होगा तो हम लोग उसको सेप्टा के नाम से कहते हैं ओके okay?

मतलब क्या है सर का फॉर्मेशन दैट इज अड फॉर्मेशन ओके और हेड फॉर्मेशन का मतलब क्या साइड ओके कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गैंगलिया और कैन बी इन द्रेन कैन बी सीन इन विध रेस्पेक्ट टू द्लेटफॉर्म टू कॉर्डेट इन सारे प्लेटफॉर्म से लेके कॉर्डेट अगर मैं सारे एग्जाम्पल्स को कंसिडर करूँ तो उनमें नर्वस सिस्टम डेवलप होने लगा है ओके okay? अभी बात करते हैं अपेंडेजिस अपेंडेजिस क्या होते हैं द स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम द मेन बॉडी पार्ट अभी ये उनको किस लिए काम आते हैं या तो सीधा फीडिंग के लिए काम आएंगे या तो सीधा लोकोमोशन के लिए काम आएंगे अदर देन द बॉडी बाकी सारी क्या क्या चीजें हैं जो उनको फूड कैप्चर करने में मदद कर सकती है उनको चलने के लिए मदद कर सकती है लोकोमोशन करने के लिए मदद करती है ये सारी बातें ध्यान में रखना है ओके एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारे सामने है टेंटाइकल्स ओके okay? जो की इन हाइड्रा में देखने मिलते हैं साथ में ही लोको मोशन करने का भी काम कर सकते हैं ओके okay? पैरापोडिया की बात करो तो ये आप लोगों को नेरिस में देखने मिलेगा जो की एनलिडा का वन ऑफ द मेम्बर है ओके okay? जिनके पास लीव लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं जो की लोको मोशन करते हैं एंड जो ये नेरिस होता है ये बड़ा लंबा सा दिखने वाला सेगमेंटेड बॉर्म होता है तो इसका डायग्राम आपके बुक में एनसीआरटी में काफी अच्छे से दिया है जस्ट गो थ्रू दैट डायग्राम यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पेरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर आई एम टॉकिंग अबाउट हियर ओके तो लेट्स टॉक अबाउट द फिंस इन द फिशेस सबको कॉमनली पता है बचपन से ड्रॉइंग में, में भी यही बनाते आ रहे हो सीखते आ रहे हो कि नहीं तो फिशेस के लोकोमोशन किसके वजह से होते हैं फीन्स के वजह से होते हैं

सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे ओके okay? सो so, ये सारी बातें हम लोग को सारे ऑर्गेनिजम्स में नोटिस करनी है क्योंकि ये सारी बातें क्या है तो ये सारी बातें जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हम लोग ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे डिफाइन करेंगे ओके okay? सो so, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो चल रहा है तो दो तरीके के होते हैं जैसे कि हम लोगों ने देखा था इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है खाली एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होना हाइड्राइस एग्जांपल ओके okay, अगर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल आप लोगों को देखने मिलेगा मतलब दो दो ओपनिंग एक एक माउथ एंड तो हम लोगों को पता है कि हम हायर के बारे में डिफाइन कर रहे हैं लेकिन डाइजेशन के प्रोसेस जो हो सकते हैं वो देखो किधर हो सकते हैं इधर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन आपको देखने मिलेगा डाइजेशन आप लोगों को देखने मिलेगा जैसे कि इंट्रा सेलूलर के लिए एग्जाम्पल आते हैं पैरामेश मामीपा डब्ल्यू ओके वेर एज इन द एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन इट इज अउथ सेल्स ओके इन हायर ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड द सेल इज द एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि दो वेरी कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेशंस आपके सामने रखे हुए लेकिन अदर देन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हो तो हम लोग उसके बेसिस पे भी उनको क्लासिफाई कर सकते हैं ना तो देखो क्या क्या स्ट्रक्चर्स आप लोगों को पढ़ने मिल सकते हैं जैसे कि बॉडी सरफेस अगर मदद कर रहा है तो लोअर ऑर्गेनिजम्स आ सकता है गिल्स के लिए फिश आ सकता है एग्जाम्पल ट्रेकिरी सिस्टम होगा तो इंसेक्ट आ जैसे कि कॉकरोच आ गया ओके okay? अर्थवॉम स्किन के वजह से एंड द लंग्स इज कॉल्ड इज वन ऑफ द एग्जांपल ओवर हियर अभी देखो अभी जब ये रेस्पिरेशन का टॉपिक चल रहा है तो कभी कभी हमारी बॉडी की बात करूंगा मैं तो हम लोगों के पास जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं लंग्स के अंदर एलबीओ के अंदर जो भी गैसेस हम लोग लेते हैं अंदर ओके ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो वो गैसेस को कैरी करने वाला भी तो कोई तो चाहिए तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो कि आयरन कंटेनिंग होता है इसके वजह से हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा जो ब्लड होता है नॉर्मली रेड कलर में देखने मिलता है So, ERPO, जो, होता है, ये हमेशा देता है, जो आप लोगों को कॉमनली सकता है तो ये याद रखना हीमोसाइनिन जो कि कॉपर कंटेनिंग सब्सटेंस है इसलिए इनका कलर ब्लू लाइक अपीयर करता है हम हाँ लोग इसको फिर से पढ़ेंगे जो हम लोग मोलिस्को को काफी अच्छे से डिफाइन करेंगे ओके सो so, अभी तुम्हारे सामने कौन सी कैटेगरी आ रही है सर्क्यूलेटरी सिस्टम के बारे में बात चल रही है ओके सो so, देखो अभी हम लोग ने लोअर क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम वन इज कॉल्ड इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वेर इज द अदर इज कॉल्ड इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है सो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है सो सी ब्लड विल कम्स आउट ऑलवेज इन द आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड फिल्ड इन द स्पेस कॉल्ड इज अस ओके okay? जो कि अर्थ्रोपोड़ा में हम लोग साइनस के बारे में बात करेंगे क्योंकि वहां पे लाइक हार्ट होता है जो कि सर्कुलेशन में मदद करते हैं ओके okay? ओके अगर मैं की बात करूं सो आर आर ऑफ प्रेजेंट ओवर यानी उनका जो ब्लड होता है वो एक्चुअली व्हाइट कलर का अपीयर करता है ओके नेक्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं अभी हम लोग द ब्लड विल नॉट बी कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ओके ये आपको सबको पता है क्योंकि हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं हार्ट होता है ओके अगर हार्ट हार्ट दिखाता है, है, है तो 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 ऐसे का जो होता है, वो फिशेस में में ही देखने मिलता लोअर ओके? Okay? तो सबसे पहले फिश फिश की बात करेंगे, तो फिश में दो चेंबर का हार्ट होता है वन वेंट्रिकल ओवर तो ये आप लोगों को यहाँ पे समझना है डोंट वरी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन डिटेल्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट अभी देखो क्या है यहाँ पे डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट का मतलब देखो समझ लो ब्लड इज सप्लाइड टू द हार्ट ट्वाइस बिफोर इट सप्लाइज टू द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे कि इनकम्प्लीट डाइजेशन के बारे में बात सॉरी नॉट डाइजेशन डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करें दैट मीन सीन इन द एन्स एन द रेपाइल ये आप लोग पहले एग्जाम्पल याद कर लो यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं तो एम्फीबियंस हो सकता है रेप्टाइल्स हो सकते हैं ओके okay? लेकिन एक रेप्टाइल्स में एक uh, अलग से एक्सेप्शनल केस होता है जैसे कि क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर आप लोगों को पता ही होगा ये लो फोर चेंबर ऑफ हार्ट दिखाते हैं कि नहीं तो इनके पास जो होता है ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने मिलता है लेकिन जिनका हार्ट जो होता है वो इनकंप्लीट होता है मतलब वेंट्रिकल प्रॉपरली पार्ट्स में डिवाइड नहीं रहता जिसके कारण मिक्स ब्लड जो बॉडी में सप्लाई होता है ऐसे टाइम जब ब्लड सप्लाई होते हैं तो हम उसको कहते हैं इनकंप्लीट टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन ओके नेक्स्ट एक्सकेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट अभी सबको पता है कि ये भी एक कैटेगरी आ जाती है कि तो नाइट्रोजेनस वेस्ट क्या हो सकते हैं अमोनिया हो सकता है यूरिया हो सकता है यूरिक एसिड हो सकता है है ना तो ऐसे सारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना तो इनके वजह से ही कैटेगरी बनने लगती है तो अभी यहाँ पे अमोनो अमोनिया अगर रिलीज कर रहे हैं इंडिविजुअल्स इट कैन बी अमोनोटेलिक लेकिन और दूसरी बात याद रखने वाली क्या है तो यहाँ पे अमोनिया जो होता है ये सबसे ज्यादा हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है ओके

और जो बोनी फिशेस है वो सारे एग्जाम्पल चले जाते हैं अमोनोटेलिक अमोनोटेलिक्स के लिए नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर अभी देखो जैसी एक्सक्रीशन टॉपिक हो गया तो तुम्हारे इसमें क्या क्या चलने वाला है कि क्या क्या ऐसे ऑर्गन आ सकते हैं जो उनको एक्सक्रीट करने में मदद करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स ओके सो देख लो अगर बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रो देखने मिलेगा फ्लेम सेल्स यानी सोलैनोसाइड के बारे में बात करें तो प्लेटी हेलमिल्स यानी प्लेटफॉर्म देखने मिलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चन बनते हैं सारे डायग्राम्स हम लोग डिटेल में देखेंगे नेफ्रीडिया so okay? so अगर होगा तो अर्थवॉर्म में देखने मिलेगा मालफिक्स होगा तो आपको इंसेक्ट यानी कॉक्रोचे में देखने मिलेगा किडनी होगा तो वनटीब्रेड्स में देखने मिलेगा एंड द ग्रीन ग्लाइंड ग्लाइंड के नाम से पहचाने जाते हैं जो की आपको प्रॉन्स में देखने मिल सकते हैं सो दाउंग टू डील विद एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑल्सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द नर्वस सिस्टम सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं ठीक है तो देखो नर्वस सिस्टम क्या हो सकता है नर्वस सिस्टम अगर डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होगा तो सिलेंट्रेट आर द वेरी बेस्ट एक्साम्पल ओवर हियर जिसमें हाइड्रा पड़ेंगे हम लोग ओके लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होगा तो प्लेटी हेलमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ओवर एक्सला हेलमेंट ओके गैंगलिया यानी

स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो ये आप लोगों को दो टाइप के देखने मिल सकते हैं जैसे कि बोन कार्टिलेक्यूल्स आप लोगों को स्पॉन्जेस में देखने मिलेंगे तो स्पाइक्यूल की भी कैटेगरी आती है जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं बने हुए रहते हैं तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीफेरा ओके यस कमिंग टू द एक्केलेटल स्ट्रक्चर जो की बाहर से होते हैं जो की अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं जैसे कि देख लो स्केल्स ऐसे सारे जो स्ट्रक्चर आप लोगों के होते हैं ये exoskeletal structure माने जाते हैं ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट आल्सो और सिलिका आल्सो या फिर एसिड आल्सो ओके कमिंग टू द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एरिया के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये आप लोगों को दो टाइप्स के देखने मिल सकते हैं ए सेक्शुअल रिपोडक्शन सबको पता है इसके बारे में मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है बडिंग हो सकती है फिशन हो सकता है स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है राइट right? अभी आप लोगों ने काफी सारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इतना अच्छे से पढ़ लिया है प्लांट किंगडम पढ़ लिया है सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द बडिंग फिशन एंड द स्पोर फॉर्मेशन लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्जोजिनस बडिंग एंडोजिनस बडिंग एंड फिशन फ्रेगमेंटेशन ये सारे एग्जाम्पल्स को लेकर डील करेंगे ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट सेक् रिप्रोडक्शन जहा पे हम लोग बात करेंगे एनिमल शोज द सेक्शुअल डायपमोफिज्म देन ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जिनके पास मेल एंड द फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही पे प्रेजेंट होते हैं ऐसे कैटेगरी को कहते हैं हर्माफ्रोराइडाफ्रोराइड कैन okay? बी हर्मा प्रोटाइन या फिर प्रोटोगाइनस मतलब क्या होता है अगर प्रोटाइन कंडीशन में बोलूंगा तो मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो पहले मैच्योर होगा एज कम्पेयर टू द फीमेल इन हर्माफ्रोराइड कंडीशन वायरस अगर प्रोटोगाइनस कंडीशन होगा तो मतलब फीमेल पहला मैच्योर होगी एज कम्पेयर टू द मेल सेक्स ऑर्गन ठीक है

जो कि लेस डेवलप्ड माने जाते हैं लेस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं एंड फॉर्म सी आर फॉर्मड एंड द लेटर मोर एडवांस ऑर्गन्स आर फॉर्म तो ये आप लोगों को यहां पे इसको ध्यान से समझ लेना है इसके बारे में मैं फिर से बात करूंगा डोंट वरी अबाउट द मेटामॉर्फोसिस कमिंग टू द रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस दैट इज अ लार्वा हैज मोर एडवांस स्ट्रक्चर एंड सी गेट लॉस्ट एज इट चेंजेस इनटू द यंग वन ओके एग्जाम्पल टेटपोल पोल जो होता है उनके पास टेल टेल आपको देखने मिलेगा, गिल्स रेस्पिरेशन देखने मिलेगा मिलेगा रेस्पिरेशन लेकिन इट चेंजेस टू द तो टेल जो पार्ट होता है वो री होता है ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी जहाँ पे हम लोग लेके इसको क्लासिफाई करेंगे दैट इज द बॉडी दॉम्परेचर ओके तो बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे तीन कैटेगरी दो कैटेगरी आप लोगों के सामने आती है जैसे कि होमियोथर्मस एंड द पॉइकिलोथर्मस होमियोथर्मस का मतलब क्या है वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स मींस दे बॉडी टेम्परेचर लाइक बर्ड्स एंड मैनमल्सर थर्मस जिनको कोल्ड ब्लडेड माना जाता है जो कि पानी के अंदर रहते हैं सो दे कैन चेंज टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स ओके सो नेक्स्ट हिस्सर दिज एनिमल्स कैन शो द हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन दैट इज द समर स्लीप अभी यहाँ तक हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया है आगे जाके ये ये चैप्टर आपके आपके लिए लिए बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए, तो ये रहा आपके सामने क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि हमको डिटेल में स्टडी करना है ओके सो ये याद रखो सो एनिमल किंगडम को दो तरीके में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स ओके नॉन कॉर्डेट्स में इज इस मेंबसेट इसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया जैसे कि पॉरीफेरा

बस रेगुलरली पढ़ाई करो डेट सेट थैंक यू वेरी मच मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से जहाँ पे पौरी फेरा से हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे